जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सभी का चैंपियंस डिफेंस एकेडमी के इस चैनल में। सो आज हम बात करेंगे डॉक्टर की लिखावट को कैसे समझा जा सकता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, वो कुछ कोड वर्ड्स लिखे होते हैं जिनको आप अगर समझ जाएं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको उनकी हैंडराइटिंग को समझना। जहां पर अगर डॉक्टर ने AC लिखा है उसका मतलब है कोई भी दवाई खाने से पहले लेनी है, अगर DC लिखा है तो खाने के बाद, OD लिखा है तो दिन में एक बार, BD लिखा है तो दिन में दो बार, TD लिखा है तो दिन में तीन बार, और QD लिखा है तो दिन में चार बार। इसके अलावा अगर पर्ची में SOS लिखा है यानी कि जरूरत पड़ने पर जो दवाई को लेना है आपने, TAB टैब लिखा है तो यानी कि टैबलेट है, दवाई को गोली को बोलते हैं टैबलेट। सिर पर आता है CAP, अगर CAP कैप लिखा है तो यानी कि उसे कैप्सूल बोलेंगे, और AMP अगर वहाँ पर लिखा हुआ है तो AMP का मतलब होता है इंजेक्शन। इसके अलावा GTT लिखा है कहीं पर तो वो यानी कि ड्रॉप्स है, यानी कि पानी में डालकर के पीने वाले ड्रॉप्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं GTT। अगर आपको ये डॉक्टर की लैंग्वेज का फैक्ट पसंद आता है लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नए वीडियो में। जय हिंद।